हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर में जितने भी रेलवे ग्रुप डे एग्जाम के शिफ्ट हुए हैं सारे शिफ्ट का क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली जीके के। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डे एग्जाम में सारे शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसके पुराने वाले शिफ्ट का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंतिम तक देखिएगा दोस्तों। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके शिफ्ट में सिर्फ इस वीडियो से 15 से 20 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मैं तो देखते आ रहा हूँ एनालिसिस का वीडियो में, आप देखते होंगे कि रोज क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंतिम तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम इस टोटल वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन रियल हैं। मैं गारंटी के साथ 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको कन्फर्म करना है तो जिसका एग्जाम खत्म हुआ है उसको जाकर के पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मौर्य वंश का द्वितीय शासक कौन बना? दोस्तों मौर्य वंश का द्वितीय शासक है बिंदुसार। आपको बता दूं ये मौर्य वंश का पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कि शासनकाल शुरू हुआ था 321 BC में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिप लाइम। क्लिप लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों क्लिप लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों क्विक लाइम है ये। और दोस्तों ये भी सवाल आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है, इससे मिला जुला है। तो चाक का, चौक का और चुना पत्थर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। और दोस्तों स्लेक लाइम यानी बुझा चुना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। CaOH2। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और दोस्तों ये जो न्यूटन जो इसी फॉर्मूला से रोज सवाल आ रहे हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल से। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों मुद्रा राक्षस इस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। चिकित्सा के क्षेत्र में 2017 में पद्म भूषण किसे मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में 2017 में पद्म भूषण का अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों ये मिला है तेहमटोन एराक उदवालिया। तेहमटोन उदा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों ये भी शिफ्ट आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। मैं बताया ना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते जाऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अभी मैंने बोला कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रिपीट जरूर होंगे, अभी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 25 क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताते जाऊँगा। दोस्तों 2018 में शिक्षा और साहित्य में किसको मिला है? वेद प्रकाश नड्डा को मिला है। वेद प्रकाश नड्डा को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शतरंज विश्व कप 2017 का विजेता कौन है? ये सवाल 3-4 बार पूछा जा चुका है। शतरंज विश्व कप 2017 का विजेता है लेवन आरोनियन। लेवन आरोनियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 9th IMC यानी इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2018 का आयोजन किसने किया? दोस्तों इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2018 का आयोजन किया है IIM बेंगलोर। IIM बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आंसर ट्रूथ हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा एल्कीन। जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और अल्काइन, एल्कीन और अल्काइन दोस्तों इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो अनसैचुरेटेड है अल्कीन और अल्काइन। और सैचुरेटेड कौन है? अल्केन। जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। मछली के हृदय कितने होते हैं? दोस्तों मछली का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। ये रहा क्वेश्चन जो कि आया था एग्जाम में, आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, यहाँ पे देख लीजिएगा। मानव और पक्षियों के हृदय में कितने उनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हहैं। और मेंढक का कितना होता है? 3 चैम्बर होते हैं। बस इतना ही याद कीजिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है? दोस्तों कैस्पियन सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64th फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ 2017। जो साउथ का है उसमें किसको बेस्ट फिल्म मिला था? दोस्तों उसको मिला था महेश, देखिए मूवी का नाम अलग सा है, तो महेश सिंते प्राथिकरम। महेश सिंते प्राथिकरम जो कि मलयालम का मूवी है। और कनाडा में किसको मिला था? स्थिति। तेलुगु में किसको मिला था?
पेली चुपलू तमिल में किसको मिला था, जोकर को मिला था। ओके देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो अगर याद नहीं हो रहा है तो। ओके क्योंकि ये सवाल आपके शिफ्ट में भी रिपीट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये तो सबको आता होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों कुछ लोगों के शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड में कितने रुपए मिलते हैं, दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड में 5 लाख रुपये मिलते हैं। ओके रघुवंश महाकाव्य का लेखक कौन है, दोस्तों रघुवंश महाकाव्य का लेखक है कालिदास। ओके कालिदास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चीन के प्रीमियर कौन है, चीन के प्रीमियर कौन है, माफ करना ये प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके चीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली केकियांग। ओके ली केकियांग। और दोस्तों उसके प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। ओके जी जिनपिंग, इन दोनों को भी याद कर लीजिए। पंचतंत्र का लेखक कौन है, दोस्तों पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। ओके पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। फिटकरी, फिटकरी यानी आलम का सूत्र क्या होता है, दोस्तों आलम का केमिकल फॉर्मूला होता है, दोस्तों आलम का केमिकल फॉर्मूला होता है KAlSO4 2। ओके चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे ओके माफ करना नहीं हो रहा है, KAlSO4 2, इसको रट लीजिए KAlSO4 2। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों भारतीय बैडमिंटन टीम का वर्तमान कोच कौन है। ओके ये सवाल आया था कि भारतीय बैडमिंटन टीम का वर्तमान कोच कौन है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। ओके पुलेला गोपीचंद। दोस्तों मद्रास के उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, दोस्तों मद्रास के उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रामानी। ओके विजय कमलेश ताहिल रामानी। ओके तो दोस्तों आपको और एक बात बता देता हूँ, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आया है कि बैडमिंटन का कोच, ओके टीम का कोच, ये आ रहा है केमिकल फॉर्मूला से, ये पुस्तक और उसका लेखक का, ओके और ये प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद ये, हाँ ये भी पुस्तक और किसका लेखक हैं। दोस्तों ये सारे टॉपिक हैं, ओके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के सबसे अच्छे टॉपिक हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें ये सारे टॉपिक को मिला करके, सबको मिला करके 75 टॉपिक बन रहे हैं। ओके सारे टॉपिक को एक साथ लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। ओके देखिए सारे टॉपिक हैं, ओके सारे मिला सबको मिला करके 75 टॉपिक हैं। ओके इन सब टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मैं हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इसी टॉपिक में से 90%, ओके 90% या 80% क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक में से आते हैं। ओके वीडियो को पॉज करके आप सारे टॉपिक को देख लीजिए। ओके पद्म भीषण क्रोमोसोम नंबर, पीएच फॉर्मूला, फिजिक्स फॉर्मूला, उसके बाद कंपनी के सीईओ, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, राज्यपाल, पिन कोड, ओके ये सबसे आ रहे हैं ना। देखिए तो ये सारे 75 टॉपिक का पीडीएफ, ओके सारे टॉपिक में से 30 या 40 क्वेश्चन मिला करके मैंने पीडीएफ बनाया है, सब मिला करके 4000 क्वेश्चन है। दोस्तों उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका किसी भी एग्जाम आराम से मतलब क्वालिफाई हो जाएगा, जैसे कि जीके सेक्शन स्पेशली, दोस्तों आपका आरपीएफ एग्जाम आने वाला है, ओके उसमें उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको वो पीडीएफ भी दिखा देता हूँ कितना अच्छा है, देखिए ओके पूरा पिक्चर के साथ फुल एडिटिंग के साथ उसको बनाया गया है। आईफा अवार्ड 2017 से जितने भी सवाल बन रहे हैं एक साथ आपको मिल जाएगा इस तरह से। ओके उसके बाद कंपनियों के सीईओ, उससे जितने भी सवाल बनते हैं एक साथ आपको मिल जाएगा। ओके इसी तरह से देखिए कौन सा राज्य में कौन सा प्लेयर आता है, तो इससे जितने भी सवाल बनते हैं एक साथ आपको मिल जाएगा। ओके उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड्स, दोस्तों इसी तरह से 75 टॉपिक हैं, सबको तो यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको आपका टाइम ही वेस्ट होगा। चलिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। ओके इसके लिए बस आपको 20 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य है तो वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दोस्तों यदि वस्तु पर किया गया कार्य शून्य है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु को के साथ डिग्री का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दोस्तों आपको बता दूं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है तो वर्क डन 0 होता है। ओके बस इतना ही याद कीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों मॉरिशस में आयोजित 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन में किस भारतीय मंत्री ने भाग लिया, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके और मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा दोस्तों। शायद ये जो 1500 क्वेश्चन है एक वीडियो में खत्म नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं मतलब और एक वीडियो अपलोड करूंगा। दोनों वीडियो जब कंप्लीट हो जाएंगे एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, हाल ही में पुणे में स्थित IITM में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है प्रत्यूष। ओके, उसका नाम है प्रत्यूष। ये सवाल भी दो तीन बार आ चुके हैं। प्रचार भारती के चेयरमैन कौन है दोस्तों? प्रचार भारती के चेयरमैन है सूर्य प्रकाश। हाल ही में अगस्त 2018 में किस भारतीय राज्यपाल की मृत्यु हो गई दोस्तों? उस भारतीय राज्यपाल का नाम है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है, उनका नाम है बलराम जी दास टंडन। ओके, देखिए ये सवाल भी काफ़ी न्यूज़ में था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 10 अक्टूबर का है। चलिए, महिला सिंगल्स BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में पीवी सिंधु की रैंकिंग क्या है दोस्तों? पीवी सिंधु का रैंकिंग है 3rd। ओके, और फास्ट किसका है? ये भी आपके स्क्रिप्ट में जरूर पूछा जाएगा, देखना। ये फास्ट है ताई तू इंग। ओके, ताई तू इंग, आप इसको जो भी पढ़ सकते हैं। और मैन सिंगल्स में फास्ट कौन है? केंटो मोमोटा, श्रीकांत किदाम्बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लाइम स्टोन को गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों? लाइम स्टोन यानी उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ओके, उस केमिकल रिएक्शन को भी देख लीजिए यहाँ पे, CaCO3 इक्वल टू CaO+CO2। ओके, उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO को क्विक लाइम भी कहा जाता है, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो उसके स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन को और एक बार पढ़ते हैं, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दो गुना हो जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिए फॉर्मूला को, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? MgH यानी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अगर वो बोला है मास डबल हो जाएगा यानी द्रव्यमान डबल हो जाएगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी डबल हो जाएगा, ऐसा समझ में कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, CaOH2+- CaCO3। देखिए ये सवाल को ही घुमा करके यहाँ पे पूछ दिया है। ओके, नहीं माफ करना, ये सवाल नहीं है। ओके ओके, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम क्या ऐड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। ओके, 2017 में संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी दोस्तों? 2017 में संतोष ट्रॉफी जीती थी किसने दोस्तों? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से कनेक्टेड है। ओके, ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल का एक ट्रॉफी है, ये जीती थी केरला। ओके, केरला का टीम ने जीता था। और दोस्तों आपके स्क्रिप्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि 2016 और 17 का जो मैच हुआ था संतोष ट्रॉफी, उसमें कौन जीता था? ओके, उसमें जीता था पश्चिम बंगाल ने। ओके, तो नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये सवाल रिपीट हुआ है, देखिए, एल्किन और अल्कालाइन। ओके, ये आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हाल ही में कचरा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है दोस्तों? हाल ही में कचरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ओके, तमिलनाडु के पूर्व CM जय ललिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन के लिए CM कौन बने? क्वेश्चन और एक बार पढ़ लेते हैं, तमिलनाडु के CM जय ललिता की मृत्यु के बाद जो CM कौन बने दोस्तों? उनका नाम है O. Panneerselvam। कितने दिनों के लिए? 72 दिनों के लिए। ओके, लेकिन अब तमिलनाडु के CM कौन है? एदापेद्दी पलानी स्वामी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु का कैपिटल क्या होता है। ओके, तमिलनाडु का कैपिटल क्या होता है? और ये भी बताना जो एदापेद्दी पलानी स्वामी हैं, ओके, इनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया दोस्तों? यह है 73वें। ओके, 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, कौन सा मसीहा में? 1992 में दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि 2017 में किस राज्य सरकार का राजनीतिक गठबंधन टूट गया दोस्तों? उस सरकार का नाम है बिहार में जो चल रहा था उस पर राजनीतिक गठबंधन टूट गया था। किस किस का? जेडी RJD और कांग्रेस का, इन तीनों का जो बंधन था गठबंधन वो टूट गया। लेकिन टूटने के बाद क्या बन गया? JD और BJP का गठबंधन वहाँ पे बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18वें आईफा अवार्ड 2017 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? उसका सही आंसर हो जाएगा निर्जा मूवी। ओके दोस्तों, आपके स्क्रिप्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि निर्जा मूवी का एक्टर कौन है? शाहिद कपूर। और एक्ट्रेस कौन है?
माफ करना, मिर्जा मूवी का जो एक्ट्रेस है उनका नाम है, हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आप, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहिद कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को, ओके 2017 का आईफा अवार्ड में। उससे मिर्जा मूवी का एक्ट्रेस कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। और दोस्तों 2018 आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 2018 आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म मिला है तुम्हार जी सुलू को, बेस्ट एक्टर मिला है इरफान खान को, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है श्रीदेवी को। दोस्तों 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, दोस्तों 2017 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया रमेश कुल्तान मेक को, किसको, रमेश कुल्तान मेक को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के मुख्य अभिनेता कौन है, दोस्तों टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी के मुख्य अभिनेता हैं, मेन एक्टर हैं अक्षय कुमार। आईपीएल 2017 में कौन सी टीम जीती थी, मुंबई इंडियंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2018 का जो आईपीएल हुआ था उसमें कौन जीता था, चेन्नई सुपर किंग, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों कैडमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 48, ओके पीरियडिक टेबल का सवाल है ये। दोस्तों नेक्स्ट है संख्यारिक धातु, संख्यारिक धातु इनमें से कौन है, इस तरह के सवाल आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। गतिज ऊर्जा का सूत्र और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ओके। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसके दर्शाता है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको दर्शाता है, दोस्तों ये जी को दर्शाता है, ओके। जी का वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है, ठोस में होती है। डब्ल्यू बी सी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, और दोस्तों उसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, दोस्तों उसका कार्य क्या है, ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों ये जो पाथोजन सबको मारता है, जो दोस्तों डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सबको वो अटैक करता है, यहाँ पे लिखा हो ये कोशिकाओं शरीर पर आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया वायरस और रोगाणु को हमला करते हैं और हमारा बॉडी को मदद करते हैं, दोस्तों इसको ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, ओके। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आरएनए और डीएनए का खोज किसने किया था, ओके इसका खोज किसने किया था, इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था, ये कमेंट बॉक्स में बताना। सिक्किम का प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दोस्तों सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर है एआर रहमान, ये तो 50 बार आ चुका है एग्जाम में, ओके एलपी के टाइम से आ रहा है ये। तो एथिन में कौन सा बंध होता है, दोस्तों एथिन, ओके इथिन यानी देखिए CH2CH2, ओके उसका फॉर्मूला है CH2CH2, उनके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डबल बॉन्ड होते हैं, ओके। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों W और V, W का होता है वर्क, V का होता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस था आवेश की मात्रा, ओके इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस तरह से पूछा गया था W, V और Q, दोस्तों इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो रिलेशन है V इक्वल टू W बाई Q, ओके पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज, ओके तो W बाई क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के CM पूछा गया था, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर, ओके जयराम ठाकुर। 2017 में कला और संगीत में पद्म विभूषण किसे मिला है, दोस्तों KJ यशोदास को मिला है, ओके KJ यशोदास को मिला है। दोस्तों न्यूलैंड अष्टक नियम पर एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसमें न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है उसमें कितने तत्व होते हैं, दोस्तों आपको बता दूं जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है उसमें 56 होते हैं, 57 होते हैं, ओके 57 तत्व होते हैं। और दोस्तों मेंडेलिव का जो पीरियडिक टेबल होता है उसमें 63 होते हैं, और जो आज का जो पीरियडिक टेबल है उसमें 118 होते हैं, बस इतना ही। दोस्तों ये पर एक सवाल आया था कि भी इक्वल टू यू प्लस 80 यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माफ करना ये फाइनल वेलोसिटी है, ये जो भी है ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए यहाँ पे है दोस्तों एक्सेलरेशन और टी है यहाँ पे टाइम, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों बहत किस देश की मुद्रा है, दोस्तों बहत थाईलैंड देश की मुद्रा है, ओके ये सवाल पूछा गया था। और कुछ लोगों के शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि थाईलैंड का राजधानी क्या है, बैंकॉक, ओके। दोस्तों आपके शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि थाईलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, प्रयुन चान ओचा। दोस्तों कचरा महोत्सव 2018 कहाँ मनाया गया, रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया, ओके। तो इसके बारे में डिटेल्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके ये सब आपको बता दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म पूछा गया था। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, ये सवाल पूछा गया था। ओके और इग्नाइट माइंड, दोस्तों कुछ लोगों के शिप में ये भी पूछा गया था कि इग्नाइट माइंड का पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ओके और दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता देता हूँ कि भारत के मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? दोस्तों भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। और दोस्तों फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनायस। ओके कैरोलस लिनियस इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पूछा गया था, दोस्तों एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर बाय सेकंड। चलिए गतिज ऊर्जा का जो उससे तो रोज सवाल आ रहा है दोस्तों, पेमा खांडू की सजा के, देखिए ये सवाल रिपीट हुआ है। ओके चलिए ये सारे सवाल रिपीट हुए हैं। ओके एक क्वेश्चन को हम एक बार ही देखेंगे, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको देख पढ़ लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ब्राजील में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? क्वेश्चन को और अगर पढ़ लेते हैं, ब्राजील में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक दास। ओके अशोक दास। नेक्स्ट दोस्तों ब्राजील का राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। किस वैज्ञानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज, ओके ये सब हाँ रिपीट हुए हैं सवाल, कुछ डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, इसके रिलेटेड ये जो क्वेश्चन का रिलेटेड सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ओके दोस्तों फार्मूला वन रेस में जर्मन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? फार्मूला वन रेस जर्मन ग्रैंड प्रिक्स में जो उसका खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। और धोनी का चाल सबसे अधिक किसमें होता है? दोस्तों ठोस में होता है यानी सॉलिड में होता है। ओके और वायु में धोनी की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये भी कितने लोगों के सिप ने पूछा गया था कि वायु में यानी एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? 332 कौन बताता है? 333 मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों वैक्यूम में धोनी की चाल शून्य होती है। ओके वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। ओके वैक्यूम यानी निर्वात में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता और धोनी की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का कितना प्रतिशत हिस्सा खरीदता है? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का कितना प्रतिशत हिस्सा खरीदता है? दोस्तों 77%। और दोस्तों कुछ लोगों के शिफ्ट में ये पूछा गया था कि वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? अमेरिका का कंपनी है। वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? डग मैकमिलन। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण सत्यम कृष्णमूर्ति। ये सारे सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों जी का सबसे ज़्यादा मात्रा उसका वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होता है? दोस्तों जी का मान सबसे ज़्यादा होता है पोल पे। ओके उसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ओके जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है? दोस्तों विषुवत रेखा में होता है। किसमें? विषुवत रेखा में होता है यानी इक्वेटर में होता है। जी का मान कितना है? जी का मान है 9.8। कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दोस्तों कैडमियम का परमाणु क्रमांक होता है 48। ओके सबसे अधिक केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर पे। ओके एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2017 में भारत के आईसीसी ओडीआई में प्रथम रैंक पर कौन सा बैट्समैन क्रिकेटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ओके प्रथम रैंक पर है विराट कोहली और प्रथम रैंक पर जो बॉलर कौन है? जसप्रीत बुमराह। दोस्तों एफ का जो फॉर्मूला पूछा गया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और दोस्तों ये भी आपके शिफ्ट में सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो रिलेशन है एफ इक्वल टू एम ए यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का कौन सा लॉ में आता है? दोस्तों ये न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। ओके न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है जो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एफ इक्वल टू एम ए है ए। चलिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है? दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया। विप्रो के सीईओ कौन है? अबिदाली नीमू चावला। विप्रो के सीईओ कौन है? अबिदाली नीमू चावला। और दोस्तों विप्रो के चेयरमैन कौन है? ये तो आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन आपके शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा कि विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेमजी।
ओके। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। भारत में दैनिक न्यूनतम आय क्या है? दोस्तों 176 रुपया सिर्फ। ओके, भारत में दैनिक न्यूनतम आय क्या है? 176। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की 1864 में। ओके, बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दोस्तों आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 होते हैं। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। पहले पीरियड यानी पहला आवर्त में होते हैं 2 तत्व होते हैं, दूसरा और तीसरा आवर्त में होते हैं 8 तत्व होते हैं, चौथा और पाँचवीं आवर्त में होते हैं 18 तत्व, और छठी और सात नंबर का आवर्त में होते हैं 32 तत्व। ओके, क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग में रखी जाती है? दोस्तों क्षारीय मृदा धातु को सेकंड वर्ग यानी सेकंड ग्रुप में रखा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को। सोमदेव किशोर देव बर्मन किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस। एजुकेट गर्ल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना। ओके, देखिए दोस्तों ये सारे के सारे यहाँ पे मतलब टॉपिक, ये सारे जो पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये जो ब्रांड एम्बेसडर है, कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, कौन सा ग्रह कहाँ पे रहता है, ये जो ग्रुप पीरियडिक टेबल का भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, एक भी सवाल जो पीरियडिक टेबल का वो पीडीएफ में जितने भी सवाल हैं उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड सब कुछ वहाँ पे है। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, उसी टॉपिक में से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। चलिए, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 किसे मिला है? दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा को मिला है। इसको शत्रुघ्न सिन्हा को। और 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है? बपी लहरी को और माला सिन्हा को। इन दोनों को मिला है, बपी लहरी और माला सिन्हा को 2018 में, और 2017 में मिला है शत्रुघ्न सिन्हा को। ओके, एजुकेट गर्ल का ब्रांड एम्बेसडर बता दिया, कैटरीना कैफ, सोमदेव किशोर, हाँ ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मानव शरीर की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं यानी 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती होना चाहिए? भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आया था, कला और संगीत के क्षेत्र में 2018 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया? कला और संगीत के क्षेत्र में 2018 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ओके, यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं, इलेहा राजा, गुलाम मुस्तफा खान, परमेश्वर। दोस्तों ये सारे मतलब जो पद्म विभूषण से सवाल बन रहे हैं उस पीडीएफ में मिल जाएगा दोस्तों, उसको रट लीजिएगा, एक ही रात में उसको आप रट सकते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए अगर चाहते हैं तो आप। हाँ दोस्तों, वहाँ पे इंडियन आइडल की आईपीएल टीम का विनर भी एक साथ मिल जाएगा उस पीडीएफ में। ओके, जिन्होंने बाय कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो रहा होगा। तो इंडियन आइडल 9th सीजन का विनर है एलवी रेमनाथ। ओके, रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कस्टमर सर्टिफिकेशन इंडेक्स में क्या रैंकिंग है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? हसमुख अधिया। महिला ओडीआई क्रिकेट प्रथम 6000 रन पूर्ण करने वाली महिला का नाम क्या है? मिथाली राज। कानपुर में चमड़े की कुल कितनी फैक्ट्री हैं? 500। पोलियो में वैक्सीन का खोजकर्ता कौन है? दोस्तों पोलियो वैक्सीन का खोजकर्ता है डॉक्टर जोनास साल्क। रूट टू, ये मैथ का सवाल आ गया यहाँ पे। रूट टू का जो मान होता है क्या होता है? 1. देखिए दोस्तों, पहले आठ अंक तक पूछा गया था वहाँ पे निकाल देना आप इसको। ओके, रूट टू का होता है 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6। ओके, ये सबको भी रट करके जाना। रूट थ्री का क्या होता है, रूट फाइव का क्या होता है, रूट सेवन का क्या होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन एंड हीलियम ये कौन से आवर्त में आते हैं? सबसे आसान सवाल है ये। ये दोनों आते हैं किस में? पीरियडिक टेबल में आते हैं। ओके, एलिजाबेथ रानी कब बनी? दोस्तों एलिजाबेथ रानी 21 अप्रैल 1926 को बनी है। ओके, और सन 1953 को एलिजाबेथ सेकेंड बनी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल 2018 के विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग। ओके, मणिपुर में स्थित उत्तर पूर्व भारत के सबसे मीठे पानी का झील कहाँ पे है? दोस्तों मणिपुर में स्थित उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठे पानी का झील का नाम है लोटोक झील।
लोटक, ओके इसका सही आंसर हो जाएगा लोटक झील। यदि तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध यानी उसका रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अगर उसका लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है, नोट डाउन कर लीजिए, L/L/A, ओके रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है L/A रेजिस्टिविटी, ओके रेजिस्टिविटी को छोड़ दीजिए अभी, तो L ऊपर है ना, तो R इक्वल टू L, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ओके रो L/A, ओके ये रो रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये अगर लेंथ डबल हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया, अगर पूछा जाता तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ये अगर तीन गुना हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये भी मतलब तीन चौथाई हो जाएगा, ओके 1/3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर जो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो ये घटेगा, ओके ये सब आपको आना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ अवार्ड 2017 का विनर कौन है? गिरीश कर्नाथ, ओके दोस्तों ये जो लाइफ अवार्ड ये सब है मैं आज ही ऐड कर दूंगा, ओके आज ही ऐड कर दूंगा मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीन तलाक के कानून समर्थन सबसे पहले किस राज्य ने किया? तीन तलाक का जो समर्थन का कानून सबसे पहले कौन किया? उत्तर प्रदेश, ओके उत्तर प्रदेश ने किया, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ओके। पौधों में लचीलापन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? दोस्तों पौधों में लचीलापन का गुण काले क्लाइम के वजह से होता है, ओके काले क्लाइम है शायद यहाँ पे, हाँ काले क्लाइम की वजह से होता है, उस केमिकल का नाम है काले क्लाइम। परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसको दर्शाता है? दोस्तों जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या वो ए से डिनोट किया जाता है, ओके ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो एटॉमिक नंबर होता है, ओके जो परमाणु क्रमांक होता है उसको जेड से डिनोट किया जाता है, ओके जेड से परमाणु क्रमांक और ए से द्रव्यमान का संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कनाडा बैंक के सीईओ कौन है? श्री राकेश शर्मा, ओके कनाडा बैंक के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। दोस्तों आपके शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि कनाडा बैंक के चेयरमैन कौन है? श्री TN मनोहरन, ओके। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? एक्सिस बैंक के सीईओ हैं शिखा शर्मा, और उसका MD कौन है? वही शिखा शर्मा ही, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहला आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? डिमित्री मेंडलीव, इसलिए उनका जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक कौन है? डिमित्री मेंडलीव। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन सा महीना में, ओके सॉरी माफ करना, कौन सा साल में ये पब्लिश हुआ था, ओके। उदासीन लिटमस पेपर का रंग क्या होता है? दोस्तों उदासीन लिटमस पेपर का रंग होता है बैंगनी यानी पर्पल। 2017 में आमिर खान ने कौन सा प्रमुख पुरस्कार जीता? दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड 2017 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्होंने जीता। यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। पौधे में खाद का संचरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है, ओके। और जल का संचरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, ओके। जाइलम फ्लोएम से सवाल आ रहे हैं, ओके बहुत सारे शिफ्ट में आए थे। सोनपुरा पशु मेला कहाँ पे है? दोस्तों सोनपुरा पशु मेला है बिहार में। महावीर कौन से तीर्थंकर हैं? 26वें तीर्थंकर हैं। रियाल कहाँ की मुद्रा है? दोस्तों रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है, ओके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में जरूर लाइक करें, हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, उम्मीद करता हूँ आप जल्दी कर देंगे, आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और दोस्तों साथ साथ बेल का आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आपको रोज इसी तरह का वीडियो मिलेगा और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा आपका LP एग्जाम, आपका जितने भी एग्जाम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रियाल कहाँ की मुद्रा है? दोस्तों सऊदी अरब का मुद्रा है रियाल। कौन से तत्व आवर्त सारणी में प्रथम और 17वें दोनों ग्रुप में आ सकता है? दोस्तों हाइड्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। जो हाइड्रोजन का प्लेस जो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है वो इसका एक्चुअली प्लेस नहीं है, ओके उसको देखना आप, जो उसको सेपरेट रखा जाता है, ओके क्योंकि दोस्तों उसको हम फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं और हैलोजन जो ग्रुप 17 है वहाँ पे भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम उसको फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे तो
बाकी के जैसा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, और ग्रुप 17 में उसको रखेंगे तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका कैरेक्टर दोनों से संबंधित है, इसलिए दोस्तों उसको दोनों ग्रुप में भी रखा जा सकता है। हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। ओके, 17वें लोकसभा चुनाव कब होंगे? 2017। ओके, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थैलोफाइट कौन सा शामिल नहीं है? थैलोफाइट में कौन सा शामिल नहीं है? ओके, फुल डिटेल्स में देख लीजिए, यहाँ पे ये पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों थैलोफाइट के अंतर्गत कवक आते हैं। ओके, थैलोफाइट में कौन कौन आते हैं पहले जान लीजिए, उसके बाद ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कवक, शैवाल, लाइकन सब आते हैं, कभी कभी जीवाणु और माइकोटा भी आते हैं। ओके, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके सही आंसर ऑप्शन के ऊपर, इसको बस जान लीजिए कि ये सब आते हैं। ओके दोस्तों, फिल्मफेयर अवार्ड 2017 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट, ये भी 4 बार रिपीट हो चुका है। 3 बार आईपीएल विनर कौन है? दोस्तों 3 बार आईपीएल विनर है चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस, ये दोनों टीम 3 बार आईपीएल जीत चुके हैं। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। स्टार फिश किस संघ से है? दोस्तों इकानोडर्माटा, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यही सवाल ही आए थे। ओके दोस्तों, बड़ी मेहनत से इसको मैंने कलेक्ट किया है। ओके, तो भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, दोस्तों यही सवाल ही आए थे। अगर डाउट है तो किसी को भी पूछ लीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, 1500 सवाल हैं, हम तो एक ही वीडियो में इसको नहीं डाल सकते। इस 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे, और एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद ये अगर पसंद आया तो और एक वीडियो बनेगा, उसके बाद और एक वीडियो बनेगा। ओके, 3-4 पार्ट में 2 दिन में सारे क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा। ओके, भारत के, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दंगल फिल्म के मुख्य अभिनेता कौन है? आमिर खान। किस आवर्त में सभी तत्व गैस हैं? ओके, किस आवर्त यानी कौन सा पीरियड में सभी तत्व गैस हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम आवर्त, जिसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बंगर कहा जाता है। ओके, और नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। भारत के दक्षिण का सबसे निचला फ्लाइट क्या है? इंदिरा फ्लाइट। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये 1526 में हुआ था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी में। दोस्तों आपके शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1556 में हुआ था, जिसमें कि अकबर ने हेमू को डिफीट किया था। ओके, कहाँ पे हुआ था? नहीं, कहाँ पे तो ये पानीपत में ही हुआ था, कब हुआ था ये सवाल पूछा जा सकता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था देख लीजिए यहाँ पे, अफगानी फोर्सेस ऑफ अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द आर्मी ऑफ मराठा एम्पायर। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में दोस्तों आर्गन गैस भरी जाती है। HCL टेक्नोलॉजी के CEO कौन है? दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी के CEO हैं सी विजय कुमार। किसमें जनन मुकुलन द्वारा होता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, किसमें जनन मुकुलन द्वारा होता है? दोस्तों हाइड्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 16 अक्टूबर का है। ओके, स्थायी उत्तक कौन है? दोस्तों स्थायी उत्तक यहाँ पे देख लीजिए, सरल स्थायी उत्तक पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जटिल स्थायी उत्तक जाइलेम और फ्लोएम। ओके, रट लीजिए ये सबको स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके दोस्तों, आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा सारे क्वेश्चन खत्म होने के बाद, 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। ओके, CaO का आण्विक भार क्या होता है? दोस्तों CaO का आण्विक भार होता है 56 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है दोस्तों, संजू फिल्म का मुख्य अभिनेता कौन है? रणवीर कपूर, ये तो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। 2014 में वाराणसी का लोकसभा सांसद कौन बने? 2014 में वाराणसी के लोकसभा सांसद बने नरेंद्र मोदी। ओके, एल्केलेन का सूत्र क्या है? दोस्तों CnH2n+2। ओके, इससे क्या होता है देखिए, चलिए आपको बता देता हूँ, आपको फुल डिटेल्स में थोड़ा देखिए, CnH2n+2
इसका मतलब है मान लीजिए सी टू है तो एच क्या हो जाएगा, देखिए टू इंटू टू फोर, एच सिक्स हो जाएगा, ओके इसका दो गुना प्लस टू। अगर यहाँ पे होता सी एट तो एच क्या हो जाता है यहाँ पे, देखिए आठ दुनी सोलह प्लस टू एटीन, ओके सी एट एच एटीन, सी टू एच सिक्स, ये सारे के सारे अल्केन हैं, ओके बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है द्रव्यमान और ऊंचाई दी गई थी और क्षितिज ऊर्जा वहाँ पे पूछा गया था, ये तो काफ़ी आसान सवाल हो गया हमारे लिए, तो उसका फॉर्मूला एम जी एच है। ओके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पे लिया गया दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ओके और बाकी का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लीजिए, ओके वीडियो को पॉज कर लीजिए। और क्योंकि दोस्तों देखिए ये सवाल पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है आपके शिफ्ट में, तो कहाँ से क्या लिया गया था, आयरलैंड से क्या लिया गया था, आयरलैंड से, सोवियत संघ से क्या लिया गया था, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, क्या क्या लिया गया था, सब कुछ यहाँ पे एक साथ पढ़ लीजिए, हो गया ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मेघालय का सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों, मेघालय का सीमा आसाम देश के साथ लगती है, ओके। HDFC का बैंक प्रबंध निदेशक कौन है दोस्तों, आदित्य पुरी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि HDFC, ओके HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों, कृष्णा सोप्ती को मिला है, ओके। आसाम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। किस देश में योग का खेल का दर्जा दिया गया है दोस्तों, किस देश में योग का खेल का दर्जा दिया गया है, सऊदी अरब में दिया गया है, ओके। तो वीडियो को फिनिश करते हैं, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो सारे कंटेंट है मेरे पास, मैं ये वीडियो आपको अगर पसंद आएगा तो फटाफट वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इतना होता है, देख लीजिए यहाँ पे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में साइट्रिक एसिड, मालिक एसिड और आस्कर्बिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथानोइक एसिड होता है। किस आवर्त में, ओके किस आवर्त में सारे तत्व गैस हैं दोस्तों, प्रथम आवर्त में, ओके। रविश कुमार किस चैनल के पत्रकार हैं, NDTV के पत्रकार हैं। रिपब्लिक टीवी चैनल के ऑनर कौन है दोस्तों, रिपब्लिक टीवी चैनल के ऑनर हैं अर्नब गोस्वामी, राजीव चंद्रशेखर। आवर्त श्रेणी में थर्ड और फोर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं दोस्तों, थर्ड फोर्थ, थर्ड में होते हैं 8 और फोर्थ में होते हैं 18, ओके। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 18, 19 और 20 ये किसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, ओके उससे मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 18, 19 और 20 किस किस का परमाणु क्रमांक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको, ओके क्योंकि हम सारे ओरिजिनल क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और भी क्वेश्चन हैं, ओके सब मिलाकर ये 1500 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आपको PDF दे दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद सभी को, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, फ्रेंड्स बाय।